बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिन्होंने आपसे कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने के उन्होंने संकेत दिए हैं। अखिलेश ने चुनाव लड़ने के सवाल पर यह कहा कि अगर चुनाव लड़ा तो पहले आजमगढ़ की जनता से अनुमति लूंगा, फिर लड़ूंगा। वहीं अपर्णा यादव के सवाल पर बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने बधाई दी और कहा कि नेताजी ने अपर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा, दो दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में तो हमारे भी उधर टच में है।